How to delete Paytm account in 2020 using your Android phone। आज के वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है Paytm में दिस ईयर, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। वेल, यहाँ पर Paytm में जिस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना ईजी है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है यहाँ पर अकाउंट को डिलीट करना। आई मीन टू से, यहाँ पर Paytm में अकाउंट इंस्टेंटली क्रिएट हो जाता है, लेकिन अकाउंट इंस्टेंटली डिलीट नहीं हो पाता। यहाँ पर अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर कहूँ, तो मुझे मेरा Paytm अकाउंट डिलीट करने के लिए ऑलमोस्ट 2 वीक्स का टाइम लग गया था, यानी कि ऑलमोस्ट 15 डेज़ का टाइम लग गया था पूरे Paytm अकाउंट को डिलीट करने के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे जो प्रोसेस है वो इंस्टेंटली नहीं है, बिकॉज अपने Paytm आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है अपने यूज़र के डिटेल्स के बेसिस पे, उनको सिक्योर रखने के बेसिस पे। तो इसलिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 वीक्स का टाइम लग जाता है Paytm अकाउंट को डिलीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर Paytm अकाउंट डिलीट करने से पहले एक बार आपको 1-2 दिन का टाइम ले लेना है सोचने के लिए। बिकॉज एक बार अगर आपका Paytm अकाउंट डिलीट हो गया, तो फिर से आप सेम मोबाइल नंबर का यूज़ करके आप एक न्यू Paytm अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो डिलीट करने से पहले ये बात ज़रा आप ध्यान में बैठा लीजिएगा, उसके बाद ही अपने Paytm अकाउंट को डिलीट करने का प्रोसेस अप्लाई करेगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको अपना Paytm का अकाउंट डिलीट करना है, सो फॉर द सेक ऑफ द वीडियो लेट मी कंटिन्यू विद दिस। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली अपने Paytm के 3-dot line पे क्लिक करना है और इस 24/7 वाले ऑप्शन पर आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करके आपको इस कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रोफाइल सेटिंग का फीचर जो सर्च करके उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको पूरा रीज़न किया गया है, जो आपका रीज़न है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे केसेस में जो अपना रीज़न है वो है कि हम अपने Paytm अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे 3rd लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है, आई वांट टू क्लोज एंड डिलीट माय अकाउंट। तो यहाँ पर आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया कि किस तरीके से अपने Paytm अकाउंट को डिलीट करना है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको टॉप में एलिजिबिलिटी बताया गया, तो यहाँ पर आपका टाइम कंज्यूम ना हो तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होना होगा। तो फर्स्ट नंबर है कि यहाँ पर आपका जो Paytm का वॉलेट बैलेंस है वो पूरा 0 होना चाहिए। सेकंड, आपका Paytm का अकाउंट बैलेंस पूरा 0 होना चाहिए। थर्ड है, आपका Paytm का जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और सेविंग अकाउंट अगर आपने क्रिएट किया है Paytm में, तो वो भी आपका 0 होना चाहिए। Paytm का जो गोल्ड बैलेंस है, अगर आपने गोल्ड परचेस करके यहाँ पे कुछ आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो भी 0 होना चाहिए। Paytm का जो अकाउंट बैलेंस है वो भी आपका 0 होना चाहिए। और लास्ट में जो Paytm का गेम्स का भी ऑप्शन हुआ, उसका भी अगर कोई बैलेंस आपने पॉइंट जनरेट किया है, तो वो भी पूरा का पूरा यहाँ पर 0 होना चाहिए। ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे फिट होना है। अगर आपका चारों आपने फुलफ़िल किया है लेकिन एक फुलफ़िल नहीं किया है, तो आप उसमें फ़िट नहीं हो पाएंगे एलिजिबिलिटी में। तो ये आपको ध्यान से एक बार देख लेना है इस पेज पर आने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउन साइड में और भी थोड़ा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसे भी आपको ध्यान से यहाँ पर रीड कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप डायरेक्टली इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बताया गया कि किस तरीके से अपने Paytm के अकाउंट को डिलीट करना है। तो यहाँ पर भी आपका टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाउन साइट में स्क्रॉल डाउन करके एक बॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा होगा मैसेज अस, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको टाइप करना है आई वॉन्ट टू क्लोज एंड डिलीट माई अकाउंट। तो उसके बाद आपको सेंड मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो Paytm की टीम के पास जाएगा। Paytm की टीम आपको कॉल करेगी, आपसे रीज़न पूछेगी कि क्यों आप अपना Paytm का अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। तो आपको उन्हें कोई रैंडम सा रीज़न नहीं देना है, जो एक्चुअल में रीज़न है
वही आपको उन्हें बताना है। उसके बाद पेटीएम की टीम आपका अकाउंट वेरीफाई करेगी और इसमें ऑलमोस्ट आपका 2 वीक का टाइम लगेगा। विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर आपके रजिस्टर्ड पेटीएम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक आएगा। उस लिंक पे आपको यानी कि लिंक में एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको एक लिंक आएगा। देन इसके बाद डायरेक्टली आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहाँ पे आप पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपका जो पेटीएम का अकाउंट है वो यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रहा वो मैसेज अस का ऑप्शन। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा इसमें अपडेट आ गया, तो अभी आपको यहाँ पर लेकिन कुछ ऐसा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से एक डिजिटल फॉर्म है जो आपको यहाँ पर पूरा इसको फुलफिल करना है और इसके बाद सेंड कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर टाइप करना है पेटीएम वाला रजिस्टर्ड। उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे फुलफिल करना है, या तो केवाईसी का डॉक्यूमेंट या तो इससे अपना सेल्फी फ़ोटो जिसमें आपका फेस कवर हो। उसके बाद यहाँ पर आपको यस पे चेक मार्क कर देना है। देन इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर एक पेटीएम पूरा बैंक का डिटेल दिया गया। अगर आपके पेटीएम वॉलेट या पेटीएम अकाउंट में कोई बैलेंस है तो उसमें आपको यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल फिल करना है। फिल करने के बाद डायरेक्टली उसे अपने पेटीएम आपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लेना है। इसलिए यहाँ पर आपको भी ये बैंक का डिटेल दिया गया है। अगर नहीं है तो इसे स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई कैंसिलेशन चेक होगा तो उसका आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और इसे यस पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन में आपको यस पे क्लिक करना है और ये डाउन साइड वाला ऑप्शन है, इसे अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, ये डिजिटल फॉर्म पूरा फिलअप करने के बाद, आपको डायरेक्टली सबमिट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपका ये जो रिक्वेस्ट है पेटीएम की टीम के पास जाएगा और उसके बाद जो मैंने आप प्रोसेस बताया वही होगा। फिर आपको कॉल करेगी, आपका अकाउंट वेरीफाई करेगी, विद इन 2 वीक्स के अंदर आपको मैसेज आएगा, उस पर लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना है और फिर आपका पेटीएम का अकाउंट डिलीट हो जाएगा। दैट्स इट, इतना सही प्रोसेस है आपको पेटीएम का अकाउंट डिलीट करने का। आई नो कि आपको ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन अगर देखिए अगर आप इस प्रोसेस को नहीं समझ पाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर मुझे मोर देन 50 कमेंट्स आएंगे इस टॉपिक के रिलेटेड तो मैं इसके लिए एग्जैक्ट टॉपिक बनाऊंगा जिसमें मैं एग्जैक्ट ट्रैक करके आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि क्या हम रिक्वेस्ट करते तो सामने से क्या हमें पेटीएम की तरफ से क्या हमें रिक्वेस्ट यानी कि क्या हमें रिप्लाई आता है, फिर हमें क्या करना है, ये एग्जैक्टली ट्रैक करके मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो बिकॉज़ ये जो टॉपिक है ये इंस्टेंटली कवर नहीं हो पाएगा, इसमें ऑलमोस्ट मुझे एक वीडियो के लिए मुझे अपना 2 वीक्स कंज्यूम करना होगा। तो अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं अपना 2 वीक्स यहाँ पे कंज्यूम करूँगा और आपको इस टॉपिक के रिलेटेड डेप्थ में जाके मैं वीडियो पूरा कवर करूँगा और आपको डिटेल में बताऊँगा। बट जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वही प्रोसेस है, उसी तरीके से आपको अपना पेटीएम का अकाउंट डिलीट करना है। दैट्स इट।